आज मैं लेकर आई हूँ मिर्ची की कुछ नई रेसिपी। तो जितने खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उतने बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं अब। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैंने मिर्ची ले ली 250 ग्राम। तो 250 ग्राम मिर्ची ले ली मैंने, अच्छे से धो ली, बहुत अच्छे से धो के, 2-3 दिन हो गए जबकि ली है, तो फ्रिज में रखी थी, तो धो के अच्छे से दरक ली थी मैंने। तो अब मैं इनको डंठल भी इनके आगे पीछे कीजिए, डंठल काट दिए मैंने। अब मैं इन्हें इस तरीके से काट लेती हूँ सारी, ये देखिए। तो मैं ऐसे काट लूंगी, देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़ा में काट के रख लूंगी, जैसे ये देखिए सारी इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली। तो मैं अब इन्हें एक बर्तन में ले लूंगी, जवार बाउल में। तो अब इसी में डाल लेती हूँ नमक, धनिया और लाल मिर्ची और हल्दी। तो ये सब डाल लेती हूँ, और अजवाइन आधी चम्मच अजवाइन इन डाल ली। अब इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। तो अब डालूंगी बेसन। तो दोस्तों, बेसन मैंने डाल दिया, अब इन्हें बहुत अच्छे से और एक बार और मिक्स कर लूंगी। तो अब डालूंगी पानी। तो पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और इन्हें मिक्स कर लूंगी। तो सारे इस तरीके से अच्छे से मिला लूंगी इनको। तो दोस्तों, ये मिला लिया मैंने सब, तो अच्छे से इसको ढक देती हूँ। गैस को कर दिया चालू और रख दी कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाल दिया आएंगे, ये देखिए। तो कढ़ाई में डाल दिया तेल। चलो तेल गरम होने देते बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, तेल गरम हो गया बहुत अच्छे से और हाथ भी हमारे साफ है बहुत बढ़िया से। तो अब डालेंगे उठा के। तो चलो ऐसे डालते हैं अच्छे से, एक एक दो दो ऐसे, ये देखिए। तो इस तरीके से डालेंगे। तो जितने आएंगे तेल में उतने ही मैं डालूंगी। दिख रहा है अच्छे, बहुत अच्छे से। तो मैं अभी उन्हें पलटूंगी नहीं, अपने आप थोड़ा सा हिलाना बस, ये देखिए। तो जो सिकते जाएंगे बढ़िया से ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों, अब आखिरी खाने हैं। तो मैंने सारे डाल दिए, इतने अच्छे से ऐसे पक रहे, तब इनको भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने बना लिए पकौड़े, ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल मिर्ची के पकौड़े और करारे क्रिस्पी, देख सकते हैं आप बिल्कुल बहुत बढ़िया से, ये देखिए। कुरकुरे आवाज आ रही है आपको, ये देखिए। तो बना लिए मैंने मिर्ची के पकोड़े, तो बहुत बढ़िया बने, और आप भी जरूर बनाइए। और बारिश का मौसम, जब बारिश होती है तो कुछ पकोड़े खाने का मन ही और होता है। तो दोस्तों, मैंने बना लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।